मृदुभाषी, मिलनसार, मानवता प्रेमी, निर्मल एवं स्वच्छ छवि, सरल एवं सौम्य स्वभाव, प्रतिष्ठित व्यवसायी, अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए, धार्मिक विचारों वाले सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री मुकेश चंद जैन जी। फर्म जीवन राम एंड सन्स। आप चावल के थोक विक्रेता हैं। आप सन 1985 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत हैं। अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको जैन रत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों, से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, आज मैं ऐसे व्यक्ति से साक्षात कर रहा हूँ, आपसे साक्षात करवा रहा हूँ, जिस व्यक्ति से मेरा आज से नहीं पर 20 वर्षों से बराबर संपर्क है। और जब भी इनसे बराबर मेरा ज़्यादा इनसे मिलना होता है, हालांकि बड़ा बड़े परिवार है, भाई बड़े बड़े भाई भी हैं, भतीजे भी हैं, बाकी इनसे मेरा ज़्यादा सा चल रहा है। ऐसे व्यक्ति का नाम है श्री मुकेश चंद जैन, धर्म के श्री जीवनराम जी के सुपुत्र हैं और जीवनराम संस के धर्म के आप मालिक हैं। नया बाजार में चावल का व्यापारी है, अच्छा कार्य इनका है। इनसे हम जानेंगे कि कैसा व्यापार है, कब आप व्यापार में आए, कब से शुरू किया। मुकेश बाबू जी, जय जिनेंद्र, नमस्कार। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बाबू जी। आज जो मैं आपसे मुलाकात करने आया हूँ, ये इसलिए है कि आपका व्यापारी भाई को बताना कब से आपने व्यापार में आए, कब से आपने शुरू व्यापार किया और कैसे आपका चल रहा है और पीछे कहाँ से आए, मेरे आपका संपर्क कैसा रहा और किस तरह का, यह बताने का। जब व्यापार तो हमारा हमारे पिताजी के टाइम से 1970 से ये काम है। 1970 से? हाँ जी। और मैं जो आया हूँ दुकान पे, मैं 1985 से आया हूँ, क्योंकि मैं सब बहनों में सबसे छोटा हूँ, इसलिए मैं जरा लेट आया दुकान पे। और काम बाजार में चावला काम हमारा और हमारी फर्म जीवन राम सन्स। आपका मतलब व्यापार 1985 से है? हाँ, जी है। और 1900? हाँ। और वैसे हम पीछे से, तो देखो जन्म मेरा दिल्ली का, वैसे हम पीछे से बड़ौत के हैं। अच्छा। और हमारे, मैं पहाड़ी दृश्य में ही बैठा, पहाड़ी दृश्य जैन समाज से आज भी हम लोग बड़े मतलब जुड़े में हैं। और वहाँ हमेशा हमारा ये रहता है कि हम वहाँ मंदिर में, धर्मशाला में अपने पिताजी के नाम से कुछ करा सके, अगर किसी योग हम कर सके तो हम करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा प्रयास है अपने फर्म को, अपने पिताजी को, सबका नाम ऊंचा करने के लिए। हम हमेशा अपने बाजार और अपने समाज और हनुमान मल जी के साथ जो हम लोगों को पल पल पे रास्ता दिखाते हैं कि भाई तुम ये काम करो, समाज के प्रति ये करो वो करो, तो हमें ये जागृत करते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कोई तो है जो हमें जागृत करता है इस विषय में, कि हमारे पिताजी की तो डेथ 1989 में हो गई थी। अब उसके बाद तो बड़े बुजुर्ग कौन है, या तो हमारे भाई साहब हैं सुखमाल चंद जी, जो हमें राह पर हमें रास्ता दिखाते हैं। मेरे बड़े भाई हैं पर थे प्रकाश चंद जी, जिनकी डेथ हो गई। एक मेरे बड़े भाई हैं प्रेम चंद जी, जो यहाँ JRIS इंडिया में बैठते हैं। हम सारे इकट्ठे हैं, भतीजे अरुण जैन, दीपक जैन, राहुल जैन, मेरा बेटा है विकास जैन, सुखमाल जी के बच्चे जो हमारे भतीजे हैं रवि जैन, अमित जैन, हम सब एक हैं आपस में और हमारा मतलब एक गुट है और हम सब बाजार के प्रति अपना पूरा विशेष वो रखते हैं। जी भाइयों, मुकेश जी ने सारा परिचय दे दिया, इतना विशाल परिवार, इसके बाद भी इनके चेहरे में कहीं अहंकार, घमंड, अहम कहीं भी नजर नहीं आ रहा। जब भी मिलते हैं सने प्यार से मिलते हैं। और सबसे छोटा भाई होने के नाते, सबसे छोटे, सबसे छोटे, सबसे छोटे, नौ बहन भाई में, सब बहन भाइयों में, बहन भाई पर नौ है, नौ बहन भाई, नौ में नवा नंबर मेरा है, नवा नंबर। उसके बाद भी कहीं भी अहंकार नहीं, छोटा तो सबसे बड़ा जो होना चाहिए निकल के आना चाहिए, बाकी तो अहंकार से दूर निकल के आ रहे हैं। इनकी सादगी जीवन देख के तो ऐसा लगता है भगवान इनको आगे, मेरी शुभकामना है इसी तरह आगे इनका प्यार सदे भाइयों के प्रति, परिवार के प्रति बना रहे। आज ये साबित कर दिया कि परिवार का एक एक का नाम बोला, ऐसे व्यक्तित्व के धनी है श्री मुकेश जी जैन, जिनका वह आज गर्व होता है इनका नाम लेते हुए। धन्यवाद मुकेश बाबू जी, धन्यवाद।